my god, it's so sticky. Hi guys, what's up and welcome back to my channel. I'm Sonia. Hi. As you can see, थोड़ी थोड़ी विंटर्स आ गई है. मैंने लेयरिंग की हुई है आज. Not too much. मतलब as you can see, अभी भी I cannot let go of my summer outfit. So मैंने ऐसे कुछ भी करके बना लिया है. Anyway, moving on. So as I said कि विंटर्स आ चुकी है थोड़ी बहुत. तो I went to सरोजिनी नगर मार्केट फॉर सम शॉपिंग एंड दिस टाइम इट वॉज अ लिटल बिट डिफरेंट. सो इंस्टेड ऑफ शॉपिंग क्लोथ, वट कॉट माई अटेंशन वॉज डिफरेंट थिंग्स विच आई नेवर पे अटेंशन टू, विच वॉज मे बी मेकअप और यू नो थिंग्स लाइक दैट. आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड विद मेकअप. ओके, फर्स्ट इट्स सो चीप. आई हैव नो आइडिया कि ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने चीप क्वांटिटी में, मतलब प्राइस में कैसे मिल रहे हैं. लाइक इट्स माइंड ब्लोइंग. यू हैव नो आइडिया. सो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई इट. एंड फर्स्ट आई वाज कंफ्यूज एंड लाइक आई वाज लिटरली कंफ्यूज. तो मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोज देखी यूट्यूब पर भी एंड देर वॉज नथिंग. सो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई इट बाय माई ओन सेल्फ एंड देन विल सी एंड मे बी इट विल हेल्प यू गाइज एज वेल बिकॉज ये स्किन का मामला है. सो लेट्स सी कि वो सही होता भी है या नहीं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इन सरोजिनी नगर मार्केट यू विल सी मैनी स्टॉल्स, लाइक ऐसे पटरीज वेयर सेलर्स आर सेलिंग मेकअप, ब्रांडेड मेकअप, लोकल मेकअप, लाइक बहुत सारी चॉइसेस होती है. सो आई गॉट दिस मच ऑफ मेकअप, लाइक माई यू नो मेकअप कलेक्शन. ये मेरा आज से न्यू मेकअप बैग है, ये झोला. वहाँ पे दैट पर्सन वॉज सेलिंग एवरीथिंग फॉर 50 एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स. उसका एक अलग से उसने ना ऐसे डिवाइड में स्टॉल बनाया हुआ था. दोज प्रोडक्ट्स वर वेरिड फ्रॉम यू नो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज फ्रॉम 150, 200, 300 एंड सो ऑन एंड सो फोर. तो मैंने सब 50 रुपीज का ही लिया, एक दो चीजें छोड़ के, बिकॉज आई वॉज लाइक वाओ रियली 50 रुपीज में इतना कुछ. मतलब मेरी सोनिया जाग चुकी थी. तो मैंने बहुत सारा सामान लिया. सो लेट्स ट्राई आउट. कैन यू बिलीव इट, आई हैव लाइक मेकअप स्पंजेस का पैकेट, पूरा पैकेट 50 में. आई हैव मेकअप ब्रशेज, आई हैव लैक्मे का आइकॉनिक काजल, आई हैव आई लैशेज विद ग्लू 50 रुपीज द होल थिंग, आई हैव ब्रश, आई हैव लाइक सो मेनी थिंग. लेट्स ट्राई इट. ओके, सो स्टार्टिंग विद आर बेस, लेट मी सी क्या है मेरे पास. सो गाइज, आई हैव दिस बीबी ब्लेमिश बाम क्रीम 5-in-1. ये सिर्फ एक ही शेड में है जो कि लिखा भी नहीं हुआ है. ठीक है, लेट्स ट्राई इट. आई एम सो स्केयर्ड गाइज, आई एम लिटरली रिस्किंग माई स्किन ओवर हियर फॉर यू गाइज. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दैट. वाओ, हैवी है, लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट पूरा फिल्ड इन है. लेट्स सी, SPF 20 भी है इसमें. ओके, स्मेल सो वियर्ड. दिस इज लाइक फेस क्रीम में कोई ऐसे कलर मिक्स हुआ हुआ है. इट्स नॉट नाइस, इट्स वेरी क्रीमी. ओके, लेट्स ट्राई. इट्स वियर्ड. लेट्स ट्राई हेयर थोड़ा सा पहले. क्या ये मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है? आई ट्राइड लुकिंग फॉर अदर डिफरेंट शेड्स एज वेल, मुझे नहीं मिला. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स पिक दिस. आई एम कंफ्यूज. कहाँ गया वो? डिजोल्व हो गया. वॉज इट अ ट्रांसपेरेंट क्रीम या फिर वो बहुत अच्छे से मेरी स्किन टोन में मैच कर गया? वैसे वो बहुत वियर्ड लग रहा है बट लगा के तो सही लग रहा है. आई डोंट नो, लेट्स ट्राई हियर. लेट्स ट्राई टू हाइड दीज एक्ने स्कार्स एज वेल. माई डर्माटोलॉजिस्ट इज गोइंग टू किल मी एनी वे. कुछ नहीं हुआ. कैन यू सी समथिंग डिफरेंट? वो अभी भी दिख, मुझे सेम लग रहा है अभी भी. लाइक इट हैज नथिंग, इट हैज दिस. आई एम बीइंग स्कैम्ड. मैं क्या करूं अब इसका? So this is a cream mixed with some artificial skin color, I guess. Weird. No, no. Am I mad? मैंने अपना foundation brush क्यों use किया? I got 3 different sets of brushes. एक ऐसा वाला, I have beauty blenders and then the whole pack of brushes. Let's try this one first. This is something जो कि मैं Instagram पे ना बहुत देखती थी. Don't worry, everything is sanitized. So yeah. तो ये वाला brush ना मैं बहुत देखती थी and सब बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे करते थे. And I was like,
ओके आई डोंट नो. तो मैंने ये ले लिया एंड सिर्फ 50 rupees में. सो आई वाज लाइक ब्रशेस आर फाइन, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स थोड़ा डाइसी होता है बट ब्रशेस आर ओके. बट आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बहुत ब्रिसल्स इसके निकले हुए हैं यहाँ से, बहुत अनइवन है. या ये देखो यहाँ से निकला हुआ है, ऊपर से निकला हुआ है. To be very honest, this is my first time using this kind of brush. I don't even know what it's called. But मैं कुछ पता नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि it's my first time. But anyway, let's try it. So guys, I basically want to test the brush. BB cream, I will not be using this one because I'm scared. मुझे लग रहा है मेरी skin खराब हो जाएगी. So I have my own CC cream. तो हम इससे try करेंगे. I just want to check the brush. So I guess it's fine. Here? Okay. La la la. Here also, I want to check eyes. Chikke? Okay. I don't know. What do we do? Do we blend like this or do we do this? I guess this. Pakka this. Aisa lag raha hai main kapde saaf kar rahi hu. Iska texture bahut bura hai. बट इतना भी बुरा नहीं है. ब्लेंड मतलब स्प्रेड आउट नहीं हो रहा, स्प्रेड आउट नहीं हो रहा, यहाँ से स्प्रेड आउट नहीं हो रहा. ये क्यों नहीं जा रहा? ये सीसी क्रीम एक ड्रॉप से पूरा इतना अच्छे से फैल जाता है एंड इससे नहीं हो रहा है. लेट्स ट्राई अनदर वन, दिस ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज नाइस. This is actually nice. This feels nice on skin as well. And देखो बहुत अच्छे से spread out भी हो गया. Finally, something. ऊपर try करते हैं. Guys, ये work कर गया. This is actually nice. और ये बहुत अच्छा skin पे soft, squishy, squishy भी लग रहा है. And I got so many in just 50 rupees. ये अच्छी इन्वेस्टमेंट थी. आई एम हैप्पी गाइस. आई हैव दिस होल पैक ऑफ ब्रशेस आल्सो. ओके फाइन. आई हैव दिस. ओ माय गॉड, इसकी तो हालत ही खराब है देखना. ओके फाइन. एनीवे आई हैव, इट्स ब्रोकन राइट. ऐसा लग रहा किसी ने इसे च्यू किया हुआ. ठीक है. एनीवे लेट्स ट्राई आईज. आईज के लिए आई हैव दिस आई शेडो पैलेट विच आई गॉट इन 150 rupees आई गेस. ये वाला उनका डिफरेंट साइड पे रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत सही लग रहा है. लाइक डर्टी नहीं है, बहुत ही क्लीन और अच्छा फिनिश दे रहा है बाहर से, तो दैट्स नाइस. लेट्स ओपन इट. इसमें वी हैव 12 आई शेडोज. ओ माई गॉड, नहीं हो रहा. हो गया. ठीक है. वाओ यार, ये बहुत अच्छी लग रही है दिखने में. कलर्स तो बहुत ही मस्त हैं. लेट मी ओपन इट. इसमें सारे मस्त वाले कलर है. लाइक यू हैव न्यूट कलर्स, यू हैव शिमरी कलर्स, पार्टी लुक्स, एवरीथिंग. तो मैं इन वाले ब्रशेस से ट्राई करना चाहती हूँ. ओके दिस वन. Okay, let's try this one. Nice. Let me see the consistency first. Wait. Okay, fine. ठीक है. But anyway, moving on. Try करके देखते हैं. इस पर तो बहुत ही सही लग रहा था. I guess ये थोड़ा light color है ना brush, इसीलिए. Let's try. ये स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है इस ब्रश से, एज यू कैन क्लियरली सी. बट आई ट्राई माई बेस्ट. देयर इज लिटरली नो स्मेल, दैट्स फाइन. आई एम ओके विद इट. अच्छा लग रहा है. लाइक बहुत ही, आई नो ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है बट आई एम ओके विद इट बिकॉज एनी वे जब भी मैं अपने ऐसे डे लुक्स क्रिएट करती हूँ तो मैं ऐसे बहुत ही ऐसे हल्का सा कुछ लगाती हूँ. तो आई एम ओके विद इट.
ग्लिटरी वाला ट्राई करते हैं। ओके वो ये बहुत पाउडर क्यों निकल रहा है। एनीवे तो बहुत सही लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। ये ब्रश थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इससे मुझसे हो नहीं रहा है। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। दे हैव दिस एप्लीकेटर, क्या पता इस आई सॉरी ये बहुत प्लास्टिकी है। दिस इज नॉट नाइस। ठीक है, आई हैव माई ओन ब्रश, इससे ट्राई करते हैं कि होता है। यहाँ पे ना हम कोई दूसरा कलर ट्राई करते हैं, ब्लू में भी। अभी बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू बी लुकिंग वेरी फनी। बहुत फॉल आउट हो रहा है, बहुत फॉल आउट हो रहा है। वो अलग उसमें भी चला गया है ब्लू कलर। एनीवे लेट्स ट्राई। हाँ ये अब अच्छे से स्प्रेड आउट हो रहा है। तो आई गेस प्रॉब्लम आई शैडो में नहीं है, वो ब्रश थोड़ा वियर्ड था, बट हाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं है। बट ठीक है, आई लुक लाइक अ किड प्लेइंग विद कलर्स। बड़े बहुत मस्त लुक नहीं लग रहा है, पिंक एंड ब्लू, आई एम लाइकिंग इट। बट ये कैमरा में ग्रीन क्यों लग रहा है? ये ग्रीन लग रहा है ना, इट्स नॉट लुकिंग ब्लू। आई डोंट नो, यू गाइस लेट मी नो, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, इसके ऊपर वी कैन ट्राई दिस ग्रीन शिमरी कलर। लेट्स ट्राई। नाइस नाइस नाइस, आई लाइक इट। और थोड़ा सा ऐसे शाइन भी आ रहा है आईलिड पे, है ना। आई गेस इसकी ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी है, आई गेस बिकॉज इट्स अ डार्कर कलर, आई डोंट नो। बट दिस वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट, दिस इज अ बिट डार्क। आई गेस कुछ शेड्स में ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी है, कुछ में नहीं है। लेट्स ट्राई द गोल्डन वन। मैंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई गोल्ड। डिड यू गाइस सी? Wow! Oh my god! I guess this palette is perfect. Like if you're looking for something under a budget, but of course make sure ki kuch aankh ke andar na jaye. Always beware. And not even with this palette, even if you're using any other palette, no matter you know how expensive that is, always you know do your eye makeup with proper care. But guys, to be very honest, जिनकी भी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, just don't invest in these kind of eyeshadow palettes. Just always go for you know some nice, अच्छी branded या कुछ मतलब ऐसे अच्छी company वाली eyeshadow palettes only. That's gonna be really helpful for you in the longer period of time. And हाँ मतलब इसमें ज़्यादा pigmentation नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा fallout भी हो रहा है, but I mean, if you want to try it, I mean, you can, क्योंकि कुछ मतलब problem नहीं आई है, but I would suggest go for, you know, other options. Let's try this, false eyelashes. I have never put any eyelashes by myself on my eyes, कभी भी पहले, so देखते हैं. And the only experience which I have, कि इन्हें कैसे लगाते हैं, is through internet videos. Wow, I'm literally risking my life over here, but anyway. Okay. Ooh, I guess you already stick there. You just have to, you know, put them on your eyelashes. Wait, what is happening? Are these like stick-ons? I don't know. Let's find out. I guess these are stick-ons. But at the same time, they have glue also. Okay, let me try it. As it is. I guess I have to do this off camera. I cannot do this like this. Wait, didn't happen that way. We're gonna apply some glue, which came with it only. Bahut hi patla. Not happening. First, it's
स्मॉल, लाइक ये पूरे मेरे लाइन पे जा भी नहीं रहा है एंड मैंने इसे इतनी बार लगाने का ट्राई कर दिया है, इसकी ग्लू फिक्स ही नहीं कर पा रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग. बट ये बहुत कूल नहीं लग रहा है ऐसे अगर मेरे आई लैशेज रियल में लगे. द ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल, बट दिस इज नॉट हैपनिंग. लाइक ये बहुत जल्दी बस ऐसे रिमूव हो रहा है, वो लग ही नहीं रहा है, वो प्लेस भी नहीं हो पा रहा है. एनीवे, आई हैव लैक्मे आइकॉनिक काजल विच आई गॉट फॉर ओनली 50 rupees. पहले मुझे लगा ये नकली वकली तो नहीं है, आई स्टिल हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट इट्स ऑल सील पैक्ड फ्रॉम एवरीवेयर. लेट्स ओपन इट. आई हैव इट. It looks real. I mean, the tip is all pointed and everything. We have the whole product inside. That's nice. Let's try it. First check here. Looks real. Yeah. But still, I have problems because it's not dark. But anyway, let's see. हाँ, मुझे तो ये सही लग रहा है, मुझे रियल लग रहा है ये. यू गाइस थिंक? ओप्स ओप्स ओप्स, व्हाट इज हैपनिंग सोनिया, व्हाट इज हैपनिंग? इट्स ओके, इट्स फाइन. आई मीन आई हैव डाउट्स, but I still think it's real, but I'm still confused about ki why 50 rupees. Kisi ko pata hai? Let all of us know. Then we have Huxia Beauty eyeliner, which is multifunctional as it's written over here. It's not Huda Beauty, it's Huxia Beauty. Let's see. Ye bahut hi halka lag raha hai, aisa lag raha hai iske andar kuch hai hi nahi. It's all empty. But anyway, this is how it looks like. It's not a brush. It's a very hard tip. It's not a brush. वो मुड़ ही नहीं रहा है, देखो. Okay, weird. Let's try. Perfume की खुशबू आ रही है इसमें से. Okay, यार इसका ये बहुत बड़ा टिप है, मेरा हाथ ही ऐसे जा रहा है, मैं कैसे लगाऊँ? Okay, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये बहुत बड़ा है. Okay. बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, इसकी टिप बहुत ज्यादा बढ़िया. क्या हम ये कर पाएंगे आज? We're done. कैसा लग रहा है? ओके, आफ्टर वन पॉइंट इट फील्स लाइक अ स्केच पेन. इट फील्स लाइक स्केच पेन. एंड जब मैं इसे ऐसे स्प्रेड आउट भी कर रही थी ना, इट्स ऑल ड्राइड अप बहुत ही जल्दी. मुझे लग रहा है ये मेरी स्किन ड्राई ना कर दे. इट्स वियर्ड ऑफकोर्स, बट दिखने में सही लग रहा है. बट जो चीज़ दिखने में सही लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो असली में सही हो. तो गाइस देखो, मैं यूज़ करती हूँ ये वाला लाइनर. इतना छोटा सा टिप है इसका कि बंदे का हाथ ना पहुँच जाए. उसमें मेरा हाथ यहाँ था और वो टिप इतनी बड़ी थी, वो यहाँ. इट वॉज सो प्रॉब्लमेटिक एंड लुक हाउ इजी इट इज. नेक्स्ट आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव दिस नेल पॉलिश रिमूवर, बट हाउ यू यूज इट इज यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड जस्ट पुट योर फिंगर इनसाइड एंड दैट्स इट. The nail polish will get removed itself. It has sponge and some, you know, liquid, jo ki nail paint remover hai, I guess. This is so bad. Matlab smell wise. Abhi try karenge, wo baad mein pata chalega. Very chemical fumes. So, maine apne ek nail paint lagaya ek finger pe. Let's try. Excited. Just put it inside like this and just do this. Wo ho gaya remove.
That's nice. पर ठीक है, फिर मैं इसे यूज कर लूंगी. आई एम ओके विद इट. ओ, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और भी बहुत सारी चीजें हैं. सही है, 50 rupees. लेमनी फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी जैसा ऐसे लिखा हुआ है. आई गॉट टू लिक्विड लिपस्टिक्स. वन इज Huda Beauty, 50 rupees. एंड द अदर वन इज MAC Dazzle Gloss. तो मैंने ये सिमिलर शेड्स में ही लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई कि कैसे लगेगा. एंड दीज आर द शेड्स विच आई यूजली वेयर ऑन यू नो डे टू डे बेसिस. सो लेट्स ट्राई MAC वन फर्स्ट बिकॉज यू नो इट्स MAC. स्मेल्स लाइक चॉकलेट. ओके, सो फार सो गुड. लेट्स ट्राई. वैसे जैसा मैंने शेड सोचा था वैसा ये नहीं निकला, बट ठीक है. ओके, दैट थिंग अपार्ट, वैसे सही लग रहा है एप्लीकेशन में मुझे. बट आई डोंट नो इफ इट्स रियल MAC क्योंकि बस ऐसे स्टिकर लगाया हुआ है. तो आई डोंट नो, बट वैसे बहुत ही यू नो क्रीमी लग रहा है. And it smells nice also, but I'm having second thoughts about it. इसे dry up होने देते हैं, then see कि you know lips बहुत ज़्यादा dry up होंगे या नहीं. Guys, वैसे कुछ निकल नहीं रहा है, but I don't feel good. बहुत sticky हो रहे हैं lips. बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, it's weird. Then we have another one, Huda Beauty Liquid Matte in shade. We have no idea. Okay, let's try it. This again smells like chocolate. What is up? Kya ho raha hai ye? Let's try it. Yeah, this is nice shade. Aur iska brush bahut soft hai. Like lag raha hai ki haan lipstick laga rahe hain. This is a nice shade, but ye bahut flimsy hai. Ye bahut hil raha hai. It's not sturdy. Haan, ye bahut stick hil raha hai aise aise. It's not nice. Ready. I love the color. This is nice. Moisturizing bhi hai. Dry hone dete hain. Oh my god, it's so sticky. Plus mere lips jal rahe hain. Like yahan se it's not feeling good on my lips. And obviously Huda Beauty 50 rupees mein nahi milti hai. Dekhna. So weird. I also have nails. Yay! My newfound love nails. Glue bhi hai mere paas. Let's open it. I need someone from the audience. Please volunteer. So nice. अरे इसके साथ तो already glue मिला है. भैया ने बोला आप अलग से भी ले लो. ये क्या बात है? तो मैं यही वाला use कर लेती हूँ जो इसके साथ आया. Okay, I have nails. कितने pretty hands है. एक सेकेंड, बस एक सेकेंड लगेगा मुझे सर. आई हैव दिस प्रिटी मेटालिक नेल जो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लू. मैंने इसे खोला, उसका रैपर ही निकल गया. ठीक है. इतनी जल्दी, वाव, आई एम इम्प्रेस्ड. कुछ निकल नहीं रहा है इसमें से, और इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है. अब निकला है. ये खाली है पूरी, सिर्फ इतना सा ही है इसमें. ठीक है, आओ. तो मैं इस पे नेल्स पे पहले लगाऊं. यस, हम इन्हें प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर. गाइस, 10 मिनट्स इनटू इट, बहुत हल्का सा हुआ है. अभी भी ऐसे हिल रहा है और लग रहा है गिर जाएगा कभी भी. एंड आई गेस इट्स जस्ट फॉर फन, ऐसे ऐसे ट्राई करने के लिए, किसी को डराने वराने के लिए. और कितनी मस्त शेप नहीं है, कितना सही है. थैंक यू. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. ओह,
मेरे पास मैप का ग्लिटर भी है, ये कैसे रह गया? एनीवे लेट मी ट्राई क्विकली। जाने से पहले ये तो बहुत ही ऐसे नकली सा ग्लिटर आर्ट एंड क्राफ्ट पर लग रहा है। एनीवे दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू हेल्प यू गाइस आउट, बिकॉज मुझे वैसे बहुत ज़्यादा यू नो क्वेश्चंस आ रहे थे कि यू नो ऐसा वाला मेकअप शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। सो आई गेस यू गॉट योर आंसर बाय नाउ, एंड आई वुड सजेस्ट कि यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉब्ली दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ब्यूटी ब्लेंडर्स या फिर ऐसा नेल पेंट रिमूवर, थिंग्स लाइक दैट, एंड नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग डायरेक्टली ऑन योर स्किन, not even eyeshadows, trust me. And yeah, that was it. Kaisi lagi? Like and subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.